क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कम क्यों बोलते हैं? क्या कम बोलने वाले लोगों को सक्सेस मिल जाती है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बात तो बिल्कुल सच है कि समझदार सक्सेसफुल लोग उतना ही बोलते हैं जितना की जरूरत होती है। मतलब कम बोलने वाले लोग सब्जी में नमक के समान होते हैं, एक चुटकी बात बोलते हैं लेकिन एक चुटकी बात से पूरी सब्जी में स्वाद आ जाते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो कहा करते थे, एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब कुछ अच्छा कहने के लिए शब्द होते हैं। वहीं एक नासमझ इंसान बातों को तोड़ मरोड़ कर बस बोलते ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना होता है। भला कम बोलने से समझदारी का क्या मतलब है? तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही क्वालिटी के बारे में जानकारी देंगे जो कि कम बोलने वाले लोगों में होते हैं। कम बोलने वाले लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपने कभी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बिल्कुल शांत चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और बहुत ही कम बोलते हैं। जब बोलते हैं तो गजब के बोलते हैं। क्या आप जानते हैं, साइंस भी यही कहता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार, मैच्योर, अंदर से शांत, खुश और सक्सेसफुल होते हैं। ये बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इंटेलिजेंट होने से क्या होता है? इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपने दिमाग पर कंट्रोल रख करके किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं, और ये लोग शांत रह करके नए नए आइडिया निकालना जानते हैं। टीचर्स के माने तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा कम से कम शब्दों में अपनी बातों को लिखना चाहते हैं। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी भी आंसर शीट को भरने पर फोकस नहीं करते हैं, और इतना ही नहीं, कम बोलने वाले इंसान ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि बातचीत के दौरान ये लोग कम बोलते हैं, इसीलिए सामने वाले की बात ज्यादा सुनने को मिलता है और यही बात उनके लिए प्लस पॉइंट का काम करता है। क्योंकि जब हम कम बोलते हैं तो हम केवल वही चीज बोलते हैं जो हमें पता होता है, और जब सामने वाले ज्यादा बोलता है तो हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, और यही अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन हमें दूसरों से बेहतर बनाती है। कम बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा सोच समझ करके बोलते हैं, इसीलिए वो कभी भी ऐसे बात नहीं बोलते हैं जिसे कि उन्हें बाद में पछताना पड़े। एक बात हम सबके साथ होता है, हम किसी भी बात को कभी कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी वही चीजें बातों बातों में मुंह से निकल जाती है जिनका हमें पछतावा जरूर होता है। कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वो ज्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, मगर इसका उल्टा होता है। रिसर्च का माने तो कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और उनके ज्यादा दोस्त भी होते हैं। कम बोलने वाले लोग झगड़ा नहीं करते हैं और अपना आत्मसम्मान बचा के रखते हैं। क्या आपने दो लोगों को झगड़ते हुए देखा है? अगर आपने गौर से देखा है तो वो क्या कहते हैं समझ में तो नहीं आता है, पर एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं,